ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमने जिसको फर्स्ट कंपोनेंट है बोन और कार्टिलेजेस, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। हमारे पास सेकंड जो इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारे पास मसल्स, मसल्स, ठीक है जी। अब ये जो मसल्स हैं, अगर आपको कोई ये कहे जी कि मसल्स हमारी बॉडी में है कहाँ, ठीक है, मसल्स कौन सी चीज है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो गोश्त होता है जिसको आप गोश्त कहते हैं, ठीक है, ये सारे बेसिकली क्या है, मसल्स हैं। तो ये जो मसल्स हैं ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हैं और इनका बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनका जो रोल है वो डिफरेंट वेज से, हमारी बॉडी की जो मेन पर्पज इनका रोल है वो मूवमेंट से रिलेटेड है। और आपको पता है जो मूवमेंट है वो किसको कहते हैं हम जी, मूवमेंट हम कहते हैं बॉडी की जो पोजिशन चेंज होती है, एक है प्लेस का चेंज होना वो लोकोमोशन है, बट जब पोजिशन चेंज होती है ये क्या है, ये मूवमेंट है। अगर एक बंदे की जो प्लेस है वो चेंज ना भी हो तो मूवमेंट उसकी फिर भी चेंज हो सकती है, मूवमेंट उसकी चेंज होती है। अब देखिए हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये मूवमेंट है, हमारे जो लंग्स हैं और ये सारे आर्गन जो है वो मूव कर रहे होते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर चीजें मूव करती हैं, डाइजेशन करते हैं तो हमारी बॉडी के आर्गन मूव कर रहे होते हैं, लेकिन लोकोमोशन नहीं हो रही होती। तो लोकोमोशन और मूवमेंट जो है थोड़ा सा डिफरेंस फिर से माइंड में रखिएगा। तो जो मूवमेंट है, मूवमेंट जिस चीज की वजह से होती है, जिस कंपोनेंट की वजह से होती है, वो टोटली आपके पास क्या है, वो हमारे बॉडी के मसल्स हैं, उनकी वजह से होती है, ठीक है जी। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मसल्स क्या है। मसल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यूज विच contain filament of myosin, actin and troponin, ठीक है। मसल्स क्या है, मसल्स आर द स्पेशलाइज सेल्स एंड टिश्यूज, ये क्या है, स्पेशलाइज सेल्स और टिश्यूज है। Muscles are specialized cells and tissues which contain filament, ठीक है। Muscles क्या है, ये specialized tissues हैं या cell हैं, ठीक है। Sometimes इनको हम cell, कुछ cells की form में अलग अलग से भी काम कर रहे होते हैं तो हम cell कहते हैं, कुछ में वो group की form में जो है काम कर रहे होते हैं तो फिर हम उनको tissue कहते हैं। बहरहाल muscles जो है ये क्या है, specialized cells हैं और specialized tissues हैं, जिनके अंदर होते क्या हैं, जिनके अंदर फिलामेंट्स होते हैं। क्या चीज होती है जिनके अंदर फिलामेंट्स, किसके लिए फिलामेंट्स, किसके हैं आप, मायोसिन, एक्टिन एंड ट्रोपोनिन, किस किस के फिलामेंट्स हैं, मायोसिन के फिलामेंट्स हैं, एक्टिन के फिलामेंट्स हैं और ट्रोपोनिन के फिलामेंट्स, ठीक है, हैं किसके लिए, फॉर मूवमेंट, फॉर मूवमेंट, ये किसके लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए होते हैं। इन स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यूज को हम कहते हैं ये क्या है, मसल्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे मसल्स को, अगर कोई ये कहती है कि मसल्स को डिफाइन करें तो मोस्टली हम उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो गिन लेते हैं, उनको अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर पाते। तो उनकी डेफिनेशन क्या है, मसल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यूज व्हिच कंटेन फिलामेंट्स ऑफ मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन फॉर मूवमेंट, ठीक है। ये क्या है, बॉडी के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, बॉडी के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं जिनके अंदर फिलामेंट्स हैं। फिलामेंट्स किसको कहते हैं, धागेदार जो स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे लंबे जो स्ट्रक्चर हैं धागों की तरह के, इनको फिलामेंट्स कहते हैं। तो इनके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, लेकिन फिलामेंट्स हैं किस किस चीज के, मायोसिन के हैं, एक्टिन के हैं और ट्रोपोनिन के हैं, ठीक है। और ये फिलामेंट्स हैं किसके लिए, फॉर मूवमेंट, ताकि क्या हो, उनके अंदर मूवमेंट क्रिएट हो। यू नो के जो मूवमेंट है, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन, ताकि जो चेंज इन पोजीशन होती है, जो पोजीशन चेंज होती है, वो पोजीशन चेंज करने के लिए इनको हम यूज करते हैं। अब पोजीशन देखें बॉडी के अंदर, समटाइम हम जो है वो चेंज नहीं हो रहे होते, लेकिन बॉडी के अंदर मूवमेंट क्रिएट हो रही होती है। हमारी अगर हम देखें हाथ है तो शायद हम इसको बिल्कुल अगर जो ना हम खुद इसको मूव ना करवाएं, इसके अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड इसके अंदर जा रहा है, सर्कुलेट कर रहा है,
अब ब्लड जिन पाइप्स के अंदर जा रहा है, ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर वो मूवमेंट बेसिकली हो रही है, ठीक है। तो ये जहां पे भी मूवमेंट प्रोड्यूस होगी तो वहां पे इस तरह के स्पेशलाइज सेल्स होंगे, और ये जो स्पेशलाइज सेल्स होंगे, इन स्पेशलाइज सेल्स को हम कहेंगे क्या है, ये मसल्स है। अब मसल्स होंगे किसके अंदर? मसल्स होते हैं जस्ट जो है वो किसके अंदर होते हैं? एनिमल्स के अंदर। किसके अंदर होते हैं? एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर मसल्स नहीं है। मसल जो है ये करैक्टर है किसका? एनिमल्स का, ठीक है। मसल्स किसके अंदर होते हैं? मसल्स एनिमल्स के अंदर होते हैं। मसल्स जो है ये स्पेशलाइज्ड करैक्टर है, स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यूज हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हैं? एनिमल्स के अंदर होते हैं। बाकी किसी जो है ना वो हम कहते हैं कि किंगडम जो है उसके मेंबर्स के अंदर मसल्स नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स है। अब किन एनिमल्स में होंगे? ये मोस्टली होते हैं आपके पास मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? मल्टी सेलुलर के अंदर होते हैं, ठीक है जी। मल्टी सेलुलर कौन से होंगे? मल्टी सेलुलर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोर देन वन सेल से बने होते हैं, ठीक है। अब यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर के अंदर मसल्स नहीं होते, फाइबर्स हो सकते हैं, फिलामेंट्स हो सकते हैं, इस तरह के सेल्स बाकी मौजूद हो सकते हैं, बट जो है उनके अंदर मसल्स नहीं होंगे। मसल्स जो है ये करेक्टर है किसका? मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का और मल्टी सेलुलर एनिमल्स का। एक बात और आपने याद रखनी है, दे आर मच मॉडिफाइड इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर ये बहुत ज्यादा डिवेलप्ड है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत ज्यादा डिवेलप्ड और मॉडिफाइड है कौन सी चीजें? मसल्स, जबकि बाकियों के अंदर इतने मॉडिफाइड नहीं है। ये सारे एनिमल्स में सबसे सिंपल हैं, स्पंज वगैरह जो हैं, निडेरियन हैं, उनसे लेके जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स में मैमल्स में सबसे टॉप पे ह्यूमन, इस तक सारे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर मसल्स हैं, बट मच मॉडिफाइड है इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत ज्यादा मॉडिफाइड है, क्यों? जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी एक्टिविटीज जो है वो टेरेस्ट्रियल हैं, उन टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से इनको ज्यादा स्ट्रेंथ की जो है वो नीड होती है, उस स्ट्रेंथ की वजह से इनके अंदर जो मसल्स हैं वो क्या हैं? बहुत ज्यादा मॉडिफाइड हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो मसल्स हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मसल्स हैं या कौन सी उनकी टाइप्स हैं? तो उनकी पहली बात आपने ये याद रखना है कि थ्री टाइप्स हैं मसल्स की। मसल्स की कितनी टाइप्स हैं? थ्री टाइप्स हैं मसल्स की। सबसे पहले हैं हमारे पास स्मूथ मसल। सेकंड जो कैटेगरी है वो है कार्डियक मसल्स, ठीक है, और जो नंबर थर्ड है वो है स्केलेटन मसल्स, या हम कहते हैं ये कौन से हैं? स्केलेटल मसल्स। बात एक ही है, ठीक है, स्केलेटन मसल्स के या स्केलेटल मसल्स के बात एक ही है, मीनिंग इसके एक ही है, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन इन जो ये हमारे पास थ्री टाइप्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक दफा आपको फिर रिपीट करवा देता हूँ, जो हमारा टॉपिक है वो है मसल्स, ठीक है। मसल्स को सबसे पहले हमने डिफाइन किया, मसल्स क्या हैं? मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और सेल। मसल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यू हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं या बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं जिनके अंदर होता क्या है? विच कंटेन फिलामेंट्स ऑफ मायोसिन एक्टिन एंड ट्रोपोनिन। जिनके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, किसके फिलामेंट्स होते हैं? मायोसिन के, एक्टिन के और ट्रोपोनिन के। किसके लिए होते हैं? फॉर मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट के लिए ये होते हैं। अब मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट जो है वो चेंज इन पोजीशन है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चेंज इन पोजीशन होती है, उस चेंज इन पोजीशन को हम कहते हैं मूवमेंट। और मूवमेंट के अंदर जो चीज काम कर रही होती है, जिस चीज का रोल होता है, वो जो है क्या है? वो उनके मसल्स। फिर अगर हम बात करें तो हमने कहा जी मसल्स जो है वो सिर्फ किसके अंदर हैं? एनिमल्स के अंदर होते हैं। मसल्स जो है वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर हैं। मसल्स मच मॉडिफाइड हैं इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड हैं, ठीक है,
और टाइप्स ऑफ मसल्स की हमने बात की। जो मसल्स हैं उनके थ्री टाइप्स हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स। अब जो चीज़ आपने याद रखनी है वो मसल्स की डेफिनेशन है और फंक्शन ऑफ मसल्स। फंक्शन ऑफ मसल्स उनकी मूवमेंट है, और जो मसल्स की डेफिनेशन है वो ये है, मसल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स आर टिश्यू विच कंटेन फिलामेंट्स ऑफ मायोसिन एक्टिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले किसके ऊपर, स्मूथ मसल्स की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, स्मूथ मसल्स की तरफ। तो याद रखना बच्चों, जो स्मूथ मसल्स हैं ये हमारी मसल्स की फर्स्ट टाइप है। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा, वो फंदा आ जाए तो डस्टर जो है उसको यूज कर लें। जी थैंक यू। तो मसल्स की जो फर्स्ट टाइप है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कौन से वाले, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, ठीक है। एक तो बात आपने ये याद रखनी है, जो स्मूथ मसल्स है ये हमारे बॉडी के अर्लीस्ट मसल्स। कौन से वाले हैं, अर्लीस्ट मसल्स, मतलब सबसे पहले जो मसल्स हमारी बॉडी के हैं, जो सबसे पुराने मसल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, अर्लीस्ट जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स। ठीक है, और इनकी जो एवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हुई है, ये इवॉल्व हुए हैं किसके अंदर, मल्टी सेलुलर एनिमल के अंदर, मल्टी सेलुलर एनिमल जो हैं इनके अंदर ये क्या हुए हैं, मच इवॉल्व हुए हैं, बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए हैं। ठीक है जी, अब हम अगर ये बात देखें कि मल्टी, ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये होते कहाँ पे, फिर हम इनकी टाइप्स, इनकी शेप, इस चीज की तरफ जाएंगे। तो स्मूथ मसल्स होते कहाँ पे, स्मूथ मसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं। ठीक है जी, ये होते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर ये होते हैं। उसके अलावा ये होते हैं बिटवीन द रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, जी सर नहीं समझे क्या मैं, उसकी वजह से माजरत, लेकिन जो ना बहरहाल हम बात कर रहे थे स्मूथ मसल्स की। तो बच्चों जो स्मूथ मसल्स हैं ये अर्लीस्ट मसल्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, और ये इवॉल्व हुए हैं किसके अंदर, मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये होते कहाँ पे हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक में होते हैं, बिटवीन द रिंग्स ऑफ ट्रेकिया, जो ट्रेकिया के रिंग्स हैं उनके दरमियान होते हैं। अब ट्रेकिया जो है वो आपको पता है ना, एक पाइप है, कार्टिलेजिनस पाइप है, जो हमारे जो है वो यहाँ से फेरेंक्स से कनेक्ट होके जाता है नीचे तक, कहाँ तक जाता है, लंग्स तक जाता है। तो इसके अंदर जो है वो बहुत सारे सी शेप कार्टिलेज मौजूद है इसके अंदर। अभी जो सी शेप रिंग हैं, इन रिंग्स के दरमियान में जो मसल्स हैं ये कौन से वाले हैं, ये आपके पास स्मूथ मसल। कौन से वाले होते हैं, ये स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये होते हैं कहाँ पे, ब्रोंकाय में होते हैं। ठीक है, ब्रोंकाय क्या होता है, ट्रेकिया जब डिवाइड हो जाता है टू के अंदर, ये जो टू पाइप्स बनते हैं इनको हम कहते हैं क्या है, ब्रोंकाय है। तो ब्रोंकाय के रिंग्स के अंदर ट्रेकिया, जो ट्रेकिया है उसके रिंग्स के अंदर, उसके अलावा इंटेस्टाइनल ट्रैक में और ब्लड वेसल्स में जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स। देखिए जितने में ये नाम लिखे हैं जिनके अंदर ये स्मूथ मसल्स हैं, एक बात सब में कॉमन है, ये सारे के सारे पाइप्स हैं बॉडी के अंदर, ये सारे पाइप हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्मूथ मसल्स बॉडी के अंदर जो पाइप्स हैं उनके अंदर ये मसल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स हैं किस तरह के, ये होते हैं फिलामेंटस। किस तरह के हैं ये, फिलामेंटस।
फिलामेंट लाइक, फिलामेंटल मसल्स हैं, फिलामेंट्स लाइक हैं, ठीक है, फिलामेंटस हैं, मीन क्या है ये, फिलामेंट्स की तरह हैं, धागे इस तरह होते हैं लंबे लंबे, इस तरह के ये स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको हम कहते हैं ये कौन से हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। किस तरह के ये फिलामेंटस हैं, ठीक है, पहली बात आ गई दे आर फिलामेंटस। दूसरी बात अगर हम देखें, दे आर यूनि न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर एक एक न्यूक्लियस है। यूनि का क्या मतलब होगा, वन, न्यूक्लिएटेड किससे है, न्यूक्लियस से, यूनि न्यूक्लिएटेड मीन वन न्यूक्लियस, तो इनके अंदर कितने होते हैं, एक एक न्यूक्लियस होता है। स्मूथ मसल्स आर फिलामेंटस एंड यूनि न्यूक्लिएटेड, ठीक है, और यूनि न्यूक्लिएटेड। उसके अलावा अगर हम देखें, दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स, ये किस तरह के होते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स। इनवॉलेंटरी का क्या मतलब है, इनवॉलेंटरी का मतलब है कि इनको हमारा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं कर सकता, कॉन्शियस कंट्रोल में ये नहीं है, मीन हम अपनी मर्जी से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी मर्जी से इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, जिस तरह से हम अपनी मर्जी से ब्लड सर्कुलेशन तेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं तेज कर सकते, क्योंकि ब्लड जो वेसल्स हैं उनके अंदर सर्कुलेशन तेज होनी है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपनी मर्जी से डाइजेशन नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से एक्सक्रीशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। फिर अगर आप देखें, जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर नॉन स्ट्रिएटेड, इनके अंदर स्ट्रेटा नहीं होते, पैचेस नहीं होते, इनके अंदर कट नहीं होते, तो ये नॉन स्ट्रिएटेड प्रॉपर्टीज है इनकी, ठीक है, नॉन स्ट्रिएटेड है, इनके अंदर स्ट्रेटा नहीं है। स्ट्रेटा किसको कहेंगे, इसके लिए एक और भी हम यूज करते हैं, नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर स्ट्रिप्स नहीं है, इस तरह से ये अगर कोई पाइप है ना, इसके अंदर अगर इस तरह की स्ट्रिपें पड़ी हुई हैं, इस तरह से इसके अंदर कट पड़े हुए हैं, तो ये स्ट्रिप्ड है, ठीक है, बट ये कैसे हैं, नॉन स्ट्रिएटेड आर नॉन स्ट्रिप, ठीक है, ये कौन सा होगा, स्ट्रिप, बट जो स्मूथ मसल है दे आर नॉट स्ट्रिप्ड आर नॉट स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड आर स्ट्रिप जो है ये मसल नहीं, ठीक है। अर्लीस्ट मसल्स हैं, एनिमल्स के अंदर होते हैं, फिलामेंटस हैं, इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ब्लड वेसल्स के अंदर होती हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक में होती हैं, रिंग्स ऑफ ट्रेकिया और ब्रोंकाई के मेड में होती हैं। यहाँ तक अगर आप पढ़ लें और इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट टाइप को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड टाइप है कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। अब जरा वर्ड देखें, कार्डियक किससे डिराइव्ड है जी, कार्डियोलॉजी, आपने जो है ना वो वर्ड सुना होगा, कार्डियोलॉजिस्ट आपने नाम सुना होगा, कार्डियोलॉजिस्ट उस फिजिशियन को, उस डॉक्टर को, उस साइंटिस्ट को कहते हैं जो दिल का इलाज करता है। कार्डियोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, हार्ट की स्टडी करते हैं, दिल की स्टडी करते हैं। तो दिल के जो मसल्स हैं उनको हम कहेंगे कौन से वाले हैं, कार्डियक मसल्स। अगर देखें ना, हमारा हार्ट इस तरह से है, ये क्या है जी, हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। अब इस हार्ट के अंदर हम देखें, यहां से ब्लड वेसल्स वगैरह डिराइव है, उनकी तरफ मैं नहीं जाता, हार्ट की स्ट्रक्चर की तरफ मैं नहीं जा रहा। तो इसको अगर आप काट के देखें तो इसके अंदर इस तरह से मसल्स होते हैं जो इसको बना रहे हैं, इसको जो बनाने वाले मसल्स हैं, इन मसल्स को हम कहते हैं ये कौन से वाले हैं, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कौन से हैं, दीज आर द मसल्स ऑफ, मसल्स ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं, इन मसल्स को हम कहते हैं ये कौन से वाले हैं, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर द मसल ऑफ हार्ट, जो हमारा हार्ट है उसके जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं ये कौन से वाले हैं, कार्डियक मसल्स, ठीक है जी। अब कार्डियक मसल्स जो हैं ये बिल्ड करते हैं किसको, हार्ट।
कार्डियक मसल्स बिल्ड दीवाल ऑफ हार्ट, जो हार्ट है उसकी वॉल को जो है वो डेवलप करते हैं। जो मसल्स वो कौन से वाले होते हैं? कार्डियक मसल्स। कार्डियक जो वर्ड है ये जो ना इसी को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल जो है तो हमें बता देता है कि ये कहाँ पे होते हैं। कार्डियक जो है ये हार्ट से है, तो हार्ट के जो मसल्स उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। अब जो हार्ट के मसल्स हैं ये बाकी जो बॉडी के मसल्स उनसे टोटली डिफरेंट है, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टी है बाकी मसल से कम्प्लीटली जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि हार्ट का जो एक्टिविटी है वो पूरी बॉडी से डिफरेंट है, ठीक है। हार्ट हर टाइम के ऊपर पंपिंग कर रहा है, और वो पंपिंग भी इस तरह से है कि एक सेकंड के लिए भी वो स्टॉप नहीं होती है, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए न स्टॉप होने वाली पंपिंग पूरी लाइफ में आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बॉडी को हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, पंपिंग हो रही है। अब पंपिंग के लिए अल्टीमेटली बॉडी के जो मसल्स हैं वो सारे जिस तरह नॉर्मल बॉडी के अंदर है सारे यूज नहीं हो रहे, जो हार्ट के अंदर वो हर टाइम यूज होते हैं, तो वो बॉडी के मसल से डिफरेंट मसल, ठीक है। इनकी जो कंपोजिशन है वो बाकी मसल से डिफरेंट है, सो हम इनको स्पेशलाइज नाम देते हैं हार्ट के मसल, सो हम इनको कहते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल किसकी फॉर्म में होते हैं? ये फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? फाइबर्स, धागों की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इनको अगर हम देखें ये होते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। इनके अंदर पैचेज है, मैं डायग्राम बनाता हूँ इनकी। उसके अलावा अगर हम देखें दे आर आल्सो यूनि न्यूक्लिएटेड, ये यूनि न्यूक्लिएटेड है, इनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, सो दे आर इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। ये भी कैसे हैं? इनवॉलेंट्री मसल, इनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारे पास कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है, ये फाइबर्स की फॉर्म में हैं, और दे आर शॉर्ट मसल्स। ये कैसे हैं? शॉर्ट मसल्स हैं। उसके अलावा अगर हम कहें तो हम कहते हैं दे आर स्ट्रिप्ड मसल, ठीक है। ये जना स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, स्ट्रिप्स की फॉर्म के अंदर हैं, तो ये स्ट्रिप्स मसल्स इस तरह के हैं। ये इस तरह के ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर हैं ये, ठीक है। तो इनके दरमियान में इस तरह से स्ट्रिप्स हैं। इन स्ट्रिप्स को हम स्ट्रिप भी कहते हैं और स्ट्रेटा भी कहते हैं। तो ये स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, और कौन से हैं? स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, ठीक है। फाइबर्स की फॉर्म में हैं, स्ट्रिएटेड हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड हैं, आरए के अंदर क्या है? एक एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये कौन से वाले हुए? यूनि न्यूक्लिएटेड। इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में ये नहीं है, ठीक है, हम अपनी मर्जी से इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। शॉर्ट मसल्स हैं, इनकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा शॉर्ट हैं, और स्ट्रिप्ड हैं, इनके अंदर स्ट्रेटा पड़े हुए हैं, स्ट्रिप पड़े हुए हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स, ठीक है। अब देखें इससे पहले वाले जो हमने पढ़े थे स्मूथ, उनमें और इनमें कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। वो फिलामेंटस थे, ये फाइबरस हैं। वो नॉन स्ट्रिएटेड थे, ये स्ट्रिएटेड हैं। वो भी यूनि न्यूक्लिएटेड थे, ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड सेम है। ये भी इनवॉलेंट्री है, वो भी इनवॉलेंट्री थे। ये शॉर्ट मसल्स हैं, वो लॉन्ग मसल्स थे, ठीक है। और ये स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, वो अनस्ट्रिप्ड मसल्स या नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स, ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप थी जो हार्ट के मसल्स हैं। इसमें अगर कोई बात आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, एक दफा बुक से देख लें। अगर कोई इश्यू है, कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लें। क्या कुछ
मसल्स ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेजेस आर मसल्स विच आर एसोसिएटेड विद बोन्स एंड कार्टिलेजेस आर नोन एज स्केलेटल मसल्स। वो मसल्स जो एसोसिएट करते हैं बोन्स के साथ कार्टिलेज के साथ, इनको हम कहेंगे ये कौन से वाले हैं, स्केलेटल मसल्स। अब देखें जो कार्टिलेज है वो तो बोन्स की एंडिंग के ऊपर है इस तरह से, तो मेन जो इसका कंपोनेंट है वो बेसिकली बोन है, और बोन कहाँ पे होते हैं, कुछ जो है वो हमारा एक्सियल का जो है वो स्केलेटन है, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन है जिसके अंदर हमारा रिब केज है, ठीक है, और उसके अलावा क्या चीज है, वर्टिकल कॉलम है और स्कल है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कंपोनेंट आ जाता है जी इसके साथ कौन से वाला, जो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है, इसको अगर आप देखें फिर इसके साथ आ जाते हैं कौन से वाले, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर गिडल्स वगैरह हैं और कौन से अपेंडेजेस हैं। ये जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है इस फ्रेमवर्क के साथ जो मसल्स लगे हुए हैं वो मसल्स कौन से वाले हैं, वो मसल्स हैं स्केलेटन मसल्स, ठीक है, जो इस बेसिक फ्रेमवर्क के साथ लगे हुए हैं, इस बेसिक जो है वो ढांचे के साथ लगे हुए हैं, इनको हम कहते हैं ये कौन से वाले हैं, स्केलेटन मसल्स, जो एसोसिएट करते हैं स्केलेटन सिस्टम के साथ, जो एसोसिएट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन के साथ, इनको हम कहते हैं ये कौन से हैं, स्केलेटन मसल्स, ठीक है। स्केलेटन मसल्स जो हैं दे आर मच मॉडिफाइड, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, मीन हमारे जो है ना ये ऐसे मसल्स हैं कार्डियक मसल से और जो स्मूथ मसल्स हैं उनसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और उनसे ज्यादा मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। ये किस तरह के हैं, ये होते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस का क्या मतलब होगा, ये होते हैं लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं ब्रांच्ड। इनसे क्या निकली होती है, ब्रांचें निकली हुई होती, ब्रांच्ड हैं। ब्रांच है, ठीक है, इनसे क्या निकली हुई है, ब्रांचेज निकली हुई है। सो ये जो मसल्स हैं ये कौन से हैं, ब्रांच्ड मसल्स हैं, ठीक है, ब्रांच्ड हैं ये। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये हैं स्ट्रिएटेड, इनके अंदर क्या है, स्ट्रिएटा है, स्ट्रिएटा होते हैं इनके अंदर, स्ट्रिएटेड हैं, और जहां से ब्रांच निकलती है वहां पे एक डिस्क होती है जिसको कहते हैं इंटर कैलरी डिस्क। क्या कहते हैं जिनको, इंटर कैलरी डिस्क कहते हैं, ठीक है। ऐसे मसल्स को हम कहते हैं ये कौन से बने, इंटर कैलरी डिस्क होती है इनके अंदर। फिर अगर हम देखें तो ये जो मसल्स हैं ये होते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का क्या मतलब होगा, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर हैं, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, कॉन्शियस मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स हैं। मैं लिख देता हूं साथ में, दे आर कॉन्शियस मसल्स। कौन से वाले हैं, ये कॉन्शियस हैं। फिर अगर हम बात करें दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स, ये किस तरह के हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, एक सेल्स के अंदर बहुत सारे क्या हैं, न्यूक्लियस हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं ये, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स हैं, और ये अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड विद बोन्स, ठीक है, बोन्स के साथ ये अटैच होते हैं, और अटैच होने के लिए इनके साथ स्पेशलाइज जो है वो टिश्यूज होते हैं जो इनको अटैच करते हैं, जिनको हम कहते हैं कोलाजिन टिश्यूज। तो कोलाजिन टिश्यू के साथ ये जो है बोन्स के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब बोन्स के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, कोलाजिन के साथ अटैच होते हैं, और वो कोलाजिन जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं, मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं, उनको हम कहते हैं ये कौन से हैं, टेंडन है,
टेंडन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं बना रहा हूं एक बोन, ये एक बोन है, ठीक है जी। इस बोन के साथ यहां पे अटैच्ड है क्या जी, ये मसल्स यहां पे लगे हुए हैं। तो मसल्स डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं है, इनके दरमियान में कुछ कोलाजिन मौजूद हैं। ये जो कोलाजिन इनके दरमियान में मौजूद होंगे, इन कोलाजिन को हम कहेंगे ये कौन से हैं, टेंडन है। देखें ये आगे आपके पास क्या है, ये बोन, ये क्या है मसल, ये क्या है कोलाजिन, ठीक है। और स्पेशलाइज कोलाजिन को हम कहेंगे कौन सा है, टेंडन है, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है किसका, मसल्स का, जो स्केलेटन के साथ होते हैं। सो इनको हम कहते हैं स्केलेटन मसल। इसको आप देख लें, इसमें अगर कोई इश्यू आ रहा है, कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।